सर्वप्रथम इंदौर जिले के सांवेर नगर में स्थित लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर श्री छगनलाल वर्मा जी को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। छगनलाल जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते छगनलाल जी, बताइए अपने विषय में पहले बताइए जरा, आप क्या काम करते हैं? जी सर, मैं थोड़ा सा माननीय श्री हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को कोटि कोटि दिलो जान से पहले तो मैं नमन करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। हाँ बताइए। जी सर, मैं एक छोटा सा गरीब परिवार से एक झाड़ू का व्यवसाय करता हूँ, इससे सर आपकी जो स्वनिधि का मुझे लाभ मिला है उससे जो लॉकडाउन में जो मेरी परेशानी हुई थी और धंधा नहीं चल पा रहा था उससे मेरा वापस नए सिरे से धंधा चालू हो चुका। दिन भर में कितने झाड़ू बना लेते हैं? सर ये दिन भर में करीबन 50 या 60 झाड़ू मिलके हम परिवार सहित बीवी बच्चे मिलके बना लेते हैं, और जिसके बाद में दूसरे रोज हम पेरी पे निकल के बेचने निकल जाते हैं। नहीं तो ये परिवार में बच्चों को पढ़ाते नहीं है, झाड़ू बनवा देते हैं? नहीं सर, पढ़ते भी नहीं बच्चे सर, पढ़ते भी पढ़ते हैं। हाँ सर। तो आपकी श्रीमती जी भी माइक लेके बैठी है, उनको कुछ कहना है? जी सर कहना है, तभी तो आपके दर्शन के व्याकुल है। बताइए बताइए। प्रणाम सर। मेरा प्रणाम सर श्री मोदी जी को दिलो जान से प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। हाँ बताइए। ये झाड़ू का काम करते हैं सर, हम अभी भी मिलके बना लेते हैं झाड़ू। तो आप एक ही प्रकार के झाड़ू बनाते हैं कि अलग अलग प्रकार के बनाते हैं? आप खजूर के उस पत्तों में से बनाते हैं? हाँ सर, खजूर की तो, पत्ते की झाड़ू बनाते हैं। तो कहाँ से मिलता है पत्ता वगैरह आपको? ये पत्ते हम किसान से खरीद के लाते हैं। तो पैसा कैश एडवांस देना पड़ता है कि बाद में देते हैं? सर ये इससे धंधा करने के बाद में हम वही तो उजमा के ना उनको किसान को पैसे दे के फिर लाते। एक झाड़ू बनाना है अगर आपको और आपको ये सामान बाहर से लेना पड़ता है तो कितना खर्चा आता है? सर अब ये तो झाड़ू तो जैसे बनाने का कार्य है, बाकी ये जैसे खजूर की पत्ती भी खरीदते हैं और जिसके बाद में इसके अंदर जो पाइपिंग लगती है, ये वाली पाइपिंग सर, ये पाइपिंग भी बाजार से खरीदनी पड़ती है। इसके अंदर जिसके बाद में जो तार लगता है, तार ये लोहे वाला, ये भी खरीदना पड़ता है, और नाइलॉन आता है बारीक बारीक, ये तो वो भी खरीदना पड़ता है। क्या कभी आपने ये सोचा कि जब किसी को झाड़ू बेचते हो, हाँ, और अगर उसका जो पुरानी झाड़ू का पाइप ठीक हो तो आप उसको कहो कि अगर पुराना पाइप हमको वापस देते हो तो आपको 4 आना 8 आना रुपया पैसा हम कम लेंगे झाड़ू का, और पुराने पाइप वाइप ले वापिस लेकर के फिर उसमें नया झाड़ू बना करके बेचे तो आपके पैसों की बचत होगी क्या? सर वो ऐसा भी हो सकता है, परंतु जैसे कि वो पाइप झाड़ू के साथ में वो पाइपिंग भी नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है इतनी जल्दी? हाँ सर, वो पाइपिंग खराब हो जाती है ना सर, जैसे किसी ने इस्तेमाल किया बाहर रख दिया या इसका पेड़ रख दिया तो खराब हो जाती है। नहीं पहले से आप कहोगे तो रखे रखेंगे, और पुरानी झाड़ू है वो वापिस देंगे आपको, और नई झाड़ू ले लेंगे तो पुरानी झाड़ू का जो पाइप है वो आपको बहुत कम खर्चे में काम आ जाएगा। ठीक, कभी सोचिए आप। नहीं सर इस चीज पे ऐसा कोई विचार नहीं किया था। कभी सोचा नहीं था? हाँ ऐसा सोचा नहीं था कि चलो दो कुछ तो हमको बचत के हिसाब से उनको वातावरण करे। देखिए हमारे देश में तो ये जो रिसाइकलिंग जिसको कहते हैं ना आजकल, वो हमारी सदियां पुरानी बातें हैं। आप देखिए माताएं घर में साड़ी पुरानी हो जाएगी तो उसे गद्दा बना देगी, गद्दा पुराना हो जाएगी तो उसको पोछे के लिए उपयोग करेगी। हाँ। यानी एक भी चीज खराब नहीं होने देती। अगर आपने भी अपने व्यवसाय में इन चीजों को जोड़ दिया तो जरूर आप देखिए कि आपकी कमाई भी बढ़ेगी।
ठीक सर, यही चाहते हैं। चलिए, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो योजना है उसमें आपको क्या फायदा हुआ है? प्रधानमंत्री स्वनिधि में क्या फायदा हुआ है आपको? सर, प्रधानमंत्री स्वनिधि में मुझे यह फायदा हुआ कि जो मेरा लॉकडाउन से पहले जब से धंधा कुछ चलता था, और जो लॉकडाउन के बाद में सर जो वो मेरा धंधा बिल्कुल नष्ट ही हो गया, मतलब वो, और उसमें मुझे बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि परेशानी जैसे पात्रता पर्ची है मेरे पास में, तो ना आज तो मुझे पात्रता पर्ची पे जैसे एडवांस में ही मिला था लॉकडाउन से पहले, तो ना आज वो जिसके हाथ में जो खाने पीने राशन की इस चीज़ की व्यवस्था में मुझे बहुत परेशानी देखनी पड़ी, और जो मेरा धंधा था वो भी बिल्कुल बंद हो गया। अब बंद क्या सर, लॉकडाउन में घर से बाहर तो जा नहीं सकते, तो अब ये हमारा धंधा है फेरी से घूमने के बेचने का ही, इसलिए बहुत सारी तकलीफ है। और जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत घर खर्चे में लोगों से जैसे कर्ज भी करा था, ये 4 से 5 हज़ार रुपये जो मैंने कर्ज भी करा था घर राशन में, और ये स्वनिधि योजना से सर मुझे इतना लाभ हुआ, और मतलब इतना फास्ट हुआ ये मेरा काम कि जैसे मेरा जो कर्ज था मैंने वो भी चुका दिया, और बिल्कुल बेरोजगारी हो गया था लॉकडाउन में, तो मैं जो बाकी के जो पैसे बचे थे मेरे पास 4 या 5 हज़ार रुपये, उससे मैं सर थोड़ा खजूर की पत्ती लाया, खजूर की पत्ती ला के मैंने थोड़े से धंधे से मेरा धंधे का रोटेशन शुरू कर दिया। सर अभी मुझे इतना लाभ मिला स्वनिधि योजना से। तो पहले लोगों से ब्याज से पैसे लेते थे? जी सर, हाँ सर, कभी माल में या इसमें कोई हमें लाने में दिक्कत आ जाती, पैसा नहीं रहता, तो जैसे कोई साहूकार रहता है उनसे हम 1% 1.5% के हिसाब से हम उनसे ले लेते, और जो हम पे धंधा करके और जो वो बचत थे हम उन्हें दे के ऋण मुक्त हो जाते। छगनलाल जी बच्चों को पढ़ाएंगे? जी सर, पढ़ाने की तो काफी उम्मीद है, क्योंकि हम झाड़ू बना रहे ऐसा वो तकलीफ नहीं रह के, हम जैसे गरीबी में हमारा दिन गुजारा कर रहे हैं ऐसे वो गरीब बन के नहीं गुजरे, वो भी कुछ उन्नति करेगा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं उस कुर्सी के नीचे जी एक प्लास्टिक के बोतल में है पानी जी। अब मैं दुनिया को समझा रहा हूँ कि भाई ये सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कीजिए। क्या आप घर से मटका लेकर के अपने लॉरी के नीचे रख करके नहीं उपयोग कर सकते? नहीं सर, कर सकते हैं। हाँ, प्लास्टिक बंद करना चाहिए। जी सर, करेंगे? कर देंगे नहीं सर। आपको लगेगा ये मोदी जी तो कुछ काम दे देते हैं। नहीं नहीं, काम नहीं सर, ये प्लास्टिक तो जैसे ऐसे भी हमारे शरीर को हानि पहुंचाती ही है। हाँ, पर ठीक, अच्छी राय दी सर आपने। देखिए, मुझे विश्वास है कि सही समय पर बैंक से जो मदद आपको मिली है जी सर, उससे आपके परिवार को संबल मिलेगा जी सर, और मुझे विश्वास है कि आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। ठीक है, इनको डिजिटली सब करना सीख जाएंगे, मोबाइल फोन से पैसा लेना पैसा देना। ठीक, और इसके कारण आज भले 10,000 रुपया मिला, आपकी इज्जत इतनी बढ़ जाएगी बैंक में, फिर बैंक वाले कहेंगे आप 15,000 ले जाओ, बैंक वाले कहेंगे 20,000 ले जाओ, धीरे धीरे आपका कारोबार बढ़ सकता है। तो आप इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी सर, हम भी यही चाहते हैं कि इससे 1 से 10 गुना हम आगे बढ़े। चलिए, बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। अगला, अब मैं ग्वालियर नगर में स्थित लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर श्रीमती अर्चना शर्मा को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते अर्चना जी। नमस्कार सर, माननीय मोदी जी के लिए मेरी तरफ से नमस्कार सर। नमस्ते। इन बच्चों का नाम क्या है? नाम क्या है? बोलो। अंशु शर्मा। और ये बेटी? अंशु शर्मा। हाँ जी सर। क्या नाम बेटी? क्या नाम बेटी? आकांक्षा शर्मा। अच्छा, तो आप लोग पढ़ने के सिवा और क्या काम करते हैं? दोनों पढ़ने के सिवा पेंटिंग करते हो, गाना गाते हो? गाना गाते हो। पेंटिंग करते हैं। खेल कूद में भाग लेते हो? भाग लेते हो। नहीं, पेंटिंग करते हैं।
क्या बना है पेंटिंग, क्या बना है पेंटिंग? अच्छे से अच्छा कौन सा पेंटिंग बना है? भैया प्रेम बनाई थी, प्रेम बनाई थी मैंने। अच्छा अर्चना जी, अर्चना जी जी आपके पतिदेव क्या करते हैं? जी सर वो पहले ठेला चलाते थे, सब्जी का ही ठेला लगाते थे सर, पर अभी मतलब थोड़ी तबीयत खराब, स्वास्थ्य सही होने के ना कारण है ना, वो घर में ही रहते हैं सर अभी। तो सारा कारोबार आपने संभाल लिया? जी 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 सर। तो घर भी संभालती हो और टिक्की सेंटर भी संभालती हो? जी। ये टिक्की खाने के लिए जो लोग आते हैं, ज्यादा लोग कितने बजे आते हैं? ज्यादा लोग आते हैं सर वो 2 बजे के बाद। अच्छा अच्छा हाँ। तो कभी हम ग्वालियर आए तो हमें टिक्की खाने को मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी। अच्छा क्या विशेषता है आपकी टिक्की और कई टिक्की वाले तो होंगे, आपकी टिक्की ज्यादा बिकती है, इसका कारण क्या है? जी अब वो तो सर खाने वाली जनता को पता होगा कि क्या सर कारण क्या है। देखिए आजकल ये जो इस प्रकार से खाने के स्टॉल लगाते हैं, बेबी हाइजीन के लिए बहुत ही अच्छे प्रयास कर रहे हैं, हाइजीन के जितने नियम हैं उसका पालन करते हैं और उसके कारण लोग उन्हीं के यहां जाना पसंद करते हैं, लोग वहीं से लेना पसंद करते हैं। और मैं देख रहा हूं कि आपने भी बहुत ही साफ सुथरा अपनी सारी व्यवस्था रखी है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपके यहां ज्यादा लोग आते होंगे। और आपको पता होगा अब आपके पतिदेव बीमार है और मैं चाहूंगा कि आपके पतिदेव जल्दी ठीक हो जाए तो आप इन बच्चों को समय दे सकें और हमें भी अच्छा लगेगा। ये जब योजना आई, इतना बड़ा जब आपके सामने एक तरफ आजीविका का संकट आया और आपको ठेला लगाने के लिए इस प्रकार से बाजार में खड़े रह करके व्यापार करने की बात आई, ये हिम्मत और ये विचार आप में कैसे आया आचरा जी? सर सब भगवान की कृपा से सर, आप लोगों की मदद से सर, सारे अधिकारी सभी के सब मदद से। लेकिन शुरुआत में पैसे लगे होंगे, पूंजी लगी होगी, तो क्या किया आपने? पूंजी तो सर जो आपका ये 10,000 रुपए का लोन आया था सर, उससे मैंने सर दोबारा चालू किया। पहले मेरा लॉकडाउन में सर धंधा बंद हो चुका था, फिर मैंने ये आपके जो 10,000 का लोन मुझे बैंक से मिला उसके बाद मैंने दोबारा चालू कर लिया। तो ये पैसा लेने में कोई दिक्कत आई क्या बैंक से आपको? दिक्कत नहीं आई। आपको पता कैसे चला ये पीएम स्वनिधि योजना आई है और पैसे मिलते हैं, ये कैसे पता चला आपको? पास के लोगों से सर, ठेले वालों से पता चला था कि कोई ऐसा फॉर्म भरा जा रहा है 10,000 का लोन का सर, वो भी मैंने नगर निगम जाकर सर कागज लगाए, वहां से मुझे बताया कि आपका फॉर्म मतलब पास हो चुका है लोन, सेंट्रल बैंक वालों ने सर मुझे ये पैसा दिया। तो आपको कोई भाग दौड़ कोई परेशानी नहीं हुई? परेशानी नहीं हुई। तो पैसे मिल गए? जी मिल गए। तो इन पैसों के कारण अब आप अपना काम अच्छे ढंग से कर पा रही हो? देखिए अर्चना जी आपने बड़ी बहादुरी के साथ ये मुश्किल समय में अपने परिवार को भी संभाला है, आप जैसी बहनें बेटियां पूरे समाज को प्रेरित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। मेरी प्रार्थना है कि आपके पति का स्वास्थ्य जल्द ठीक हो जाए और आपके दोनों बच्चे बहुत पढ़ लिख करके आगे बढ़े, उनके अंदर जो कौशल है शक्ति है, सरकार की कई योजनाएं होती हैं, इन बच्चे उसका फायदा उठाएं और बहुत आगे बढ़े, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। अब मैं रायसेन जिले के सांची नगर में श्री डालचंद कुशवाहा जी को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय जी प्रधानमंत्री को डालचंद का नमस्कार सर। नमस्ते भैया जी। डालचंद जी बताइए। जी सर। ये काफी सब्जी का ढेर लगा हुआ, बहुत बढ़िया ढंग से आपने सजावट की है और कोई फोटो भी लगाई है। जी सर। है? तो बताइए जरा क्या करते हैं आप, कैसे करते हैं सर? सर मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ, मंडी से खरीद के लाता हूँ सर कुछ, और अपने किराए से जमीन लेके उसमें सब्जी उगा के बेचता हूँ सर ठेला पे, और कहीं फेरी लगा लेता हूँ सर, घर पे रोड पे रख के बेचता हूँ सर मैं। अच्छा जमीनी किराए पर ले लिया आपने? जी सर। अच्छा जी। तो कितनी जितनी सब्जी पैदा होती सारी की सारी आप बेचते हैं कि
और लोग भी हैं जो आपके यहाँ से ले जाते हैं और बेचते हैं? नहीं सर, मैं मेरे पास उतनी जगह है, मेरी सब्जी जो बिक जाती है, जो मैं सब्जी लगाता हूँ वो मैं बेच लेता हूँ, इतनी सब्जी हो जाती है सर मेरे पास। अच्छा, जो लोग सब्जी खरीदते हैं जी, उनको ये मालूम है कि ये सब्जी आपके ही खेत से आप लेके आते हैं, ताजा सब्जी लेके आते हैं जी, और आप केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग किए बिना सब्जी पैदा करते हैं, ऐसा कुछ है क्या विशेष आपका? जी सर, मेरा सर रोड पर ही जमीन किराए से ली हुई है मैंने, जैसे कि सब मैं रोड पर ही रख के बेचता हूँ शाम के टाइम, तो सब लोग निकलने वाले जाते हैं तो वो देखते हैं कि ताजा सब्जी है भाई, पेड़ में से निकल रही है अभी ताजा, तो ले लो और अच्छे दाम में बिक जाती है। सर आप ये केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं या अपना जैविक खाद उपयोग करते हैं? जैविक खाद सर, मेरे पास एक गाय है भैंस, उसका अभी गोबर जो है खेती में डालते हैं। देखिए भाई, आपको फिर तो बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं जी, बड़ा बोर्ड लगना चाहिए कि मेरा जो ये सब्जी है वो ऑर्गेनिक है, तो आपके शहर के डॉक्टर भी आपके यहाँ लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे खरीदने के लिए। जी सर, वो कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ जी, उससे सब्जी पर भी कुछ न कुछ तो असर पड़ा होगा, माल बेचने में भी? जी सर पड़ा था सर, वो भिंडी जो है कम रेट में बिका, लौकी खीरा वगैरह जो बहुत कम रेट में मिला, तो सर मुझे उस टाइम पे मुनाफा नहीं हुआ सर, और मेरी जो हालत है वो थोड़ी कमजोर हो गई थी सर। तो इस दौरान आपका घर और चूल्हा चलता रहे, इसके लिए सरकार ने अनेक योजना चलाई सर, मेरे को खाते में पैसे भी जमा किए जी, मुफ्त जैसे भी सारी सुविधाएं दी गई, मेरे को सब दिया। क्या जी जी, आपके परिवार को इन चीजों का लाभ मिला क्या? सर आपने जो योजना चलाई है, सारी योजनाओं को मेरे पास सर लाभ मिला हुआ है, और अपना आयुष्मान कार्ड भी, जिससे कि मेरे परिवार का निशुल्क इलाज हो रहा है, और उज्ज्वला योजना के तहत मेरे पास गैस सिलेंडर भी है, जिससे कि मेरे परिवार की माता राम और मम्मी जी हो सॉरी मिसेस को खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, और सर जल्दी बन जाता है, तो काम मेरा हाथ बटवा लेती है खेती में। और सर अपना आपके लॉकडाउन के टाइम जो 3 महीने चले हैं, मेरे पास सर गरीब कार्ड भी है, संबल योजना कार्ड, जिसकी तरफ मेरी पत्नी को लॉकडाउन के समय हर महीने 500 रुपए की राशि उनके खाते में जो प्राप्त हुई है, और सर उनको पहली डिलीवरी के टाइम 16,000 रुपए की राशि भी आपके द्वारा दी गई है सर। सर आपका जो आशीर्वाद है सर, बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत अच्छा है। अब आप बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ सर, 1.5 साल की बच्ची है सर मेरे, कनक नाम से। हाँ, जी तो वो अभी छोटी है सर। तो कुशवाहा जी, आपने तो आपका कॉन्फिडेंस भी बड़ा गजब है जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके जी, और देखिए कितनी हिम्मत है हमारे, आप जैसे हमारे भाई बहनों को तकई भाई है, लेकिन आप लोगों की हिम्मत से पूरा देश को भी प्रेरणा मिलती है। और देखिए पीएम स्वनिधि से जो पैसा आपको मिला है जी, स्ट्रीट वेंडर द्वारा उसका सही होना चाहिए, कैसे कर रहे हैं सर? कुछ पैसा जमा करके रखा है, कुछ पैसा निकाल लिया है मैंने, जिससे कि मैं सब्जी रोज लाता हूँ, अपन को 250-300 रुपए का मुनाफा हो जाता है, और सब्जी का जो अपन खरीद के लेके आता है वो पैसा भी मेरे को निकल जाता है, तो सर मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ उससे, तो सर आपका आशीर्वाद से बहुत आगे जाने की सोच रहा हूँ सर, मैं सब्जी बेच के। सर आप सर, आपकी आयु छोटी है, हिम्मत भी बहुत है, और आपने नयापन दिया है, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, आपकी सब्जी का लोग पॉपुलर हुआ है। देखिए स्वनिधि योजना से जो 10,000 रुपया की लोन आज मिली है, लेकिन वो बढ़ सकती है, जितना आपको तो बैंक वाले ही आपकी सब्जी ले जाते हैं, तो आप उनको पता चलेगा तो बहुत मदद करेंगे, और आप बहुत बड़ा कारोबार कर सकते हैं, बड़ी जमीन लेकर के भी आप कर सकते हैं जी सर। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। जी सर, जी सर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।